नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी ठेरेटा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 13 अगस्त 2024 की। आज की सभी अपडेट की बात एक एक करके इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अपडेट बीपीएससी को लेकर के, तो बीपीएससी कार्यालय घेरने जा रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। एक उम्मीदवार एक रिजल्ट की मांग को लेकर के सड़क पर उतरे थे। सचिवालय से आगे नहीं बढ़ने देने पर छात्रों की पुलिस से नोकझोंक वगैरह भी देखने को मिली। न्यूज आपकी पटना से, जिसमें बताया गया है कि शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण में एक कैंडिडेट का एक रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी सोमवार को सड़क पर उतरे। इस दौरान पुलिस की लाठियां भाजनी पड़ी पुलिस को और अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय पहुंचकर घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने सचिवालय के पहले ही उन्हें रोक दिया। यहां पर नोकझोंक हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इससे नेहरू पथ पर अफरा तफरी मच गई। इसमें कई छात्रों को गंभीर रूप से चोटें भी यहाँ पर लगी हैं। सचिवालय थाना की पुलिस ने यह भी बताया कि 6 लोगों को हिरासत में भी यहाँ पर लिया गया है, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया है। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र नेता थे दिलीप कुमार, जिनका आरोप है कि पुलिस ने हिरासत में मारपीट वगैरह भी की है। बताते चले कि शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय को घेरने के लिए निकले थे। यहाँ पर एक तस्वीर देख पाएंगे, जिसमें सोमवार को बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय के समक्ष नेहरू पथ पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी भांजती पुलिस। इसी दौरान एक वृद्ध महिला सड़क पर गिर गई, वहां पर ये तस्वीर दिखाई गई। बीपीएससी कार्यालय पहुंचने से पहले भारी संख्या में पुलिस भी आई। छात्र नेता ने हिरासत में मारपीट करने का आरोप लगाया है। पानी की बौछार करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर तैनात रही थी। साथ ही पुलिस के साथ ही पानी की बौछार करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम वहीं तैनात थी। जैसे ही शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय की ओर बढ़े, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई। शिक्षक अभ्यर्थी आगे बढ़ने पर आमदा रहे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और प्रदर्शनकारियों में पूरे राज्य से शिक्षक अभ्यर्थी शामिल थे। महिलाएं और दिव्यांग भी आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अब यहां पर शिक्षक नियुक्ति में जो अभ्यर्थी की मुख्य मांग है उनको लेकर के बात की गई है। ऊपर एक तस्वीर भी यहां देख पाएंगे, यहां पर खदेड़ती पुलिस। तो यहां पर नेता, छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि एक छात्र का एक ही रिजल्ट जारी होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक अभ्यर्थी जो अलग अलग परीक्षाओं में शामिल हुए हैं, वे अगर सफल होते हैं तो सभी विषयों में रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। आयोग ऐसा नहीं कर सबसे पहले उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी करे, इसमें चयनित अभ्यर्थियों का माध्यमिक में रिजल्ट जारी नहीं हो, ऐसी स्थिति में सीटें भी बढ़ जाएंगी और ज्यादा उम्मीदवारों का रिजल्ट भी आएगा। इसके अलावा छात्रों ने भी कहा कि रिजल्ट के पहले ही दस्तावेजों का सत्यापन करा दिया जाए, जैसा कि अन्य परीक्षाओं में होता है। अगली अपडेट भी इससे संबंधित है। बीपीएससी का घेराव कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर चली लाठी, और यहाँ पर भी वही सारी चीजें बताई गई हैं। और ये भी इसमें बताया गया है कि 4 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको बीपीएससी ले जा करके सचिव से मिला करके उनका पक्ष भी रखवाया गया है। अगली अपडेट, शिक्षा मित्रों ने जुलूस निकाल उठाई आवाज। प्रयागराज से न्यूज है। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के दर्जनों शिक्षा मित्र जो है उन्होंने सोमवार को समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय ममफोर्डगंज से बीएसए कार्यालय तक जुलूस निकाला। मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्री ज्ञापन भी सौंपा है और ये कहा है कि शिक्षा मित्रों को 2017 से महज ₹10,000 दिया जा रहा है, जबकि महंगाई आसमान पर है। प्रदर्शन करने वालों में ये सभी लोग मौजूद थे। नए आयोग में उच्चतर चयन बोर्ड का विलय, शासन के विशेष सचिव ने भेजा निर्देश। प्रयागराज से न्यूज है, जिसमें बताया गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का आखिरकार नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय हो गया है। शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से 8 अगस्त को विलय का आदेश नए आयोग के सचिव को भेजा गया और इसी के साथ चयन बोर्ड और उच्चतर का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। 4 दशक से अधिक सक्रिय रही दोनों संस्थाएं, नए आयोग को व्यवहारिक रूप से क्रियाशील करने के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो नए आयोग का अंतरित हो गया है और दोनों पुराने आयोग के समक्ष लंबित कोई मामला, उनकी आस्तियां, दृढ़ देनदारियां, बाध्यताएं, पूर्णकालिक कर्मचारियों की सेवाएं भी अब नए आयोग में ही ट्रांसफर हो गई हैं। कर्मचारियों को 2 महीने से, जबकि नए आयोग के सदस्यों को 4 महीने से वेतन भी नहीं मिल रहा है और शिक्षक भर्ती के इंतजार वालों को शिक्षक भर्ती नहीं मिल रही, वो यहाँ नहीं लिखा है। अगला है नए आयोग में चयन बोर्ड और उच्चतर का विलय। 4 दशक से अधिक सक्रिय रही दोनों संस्थाएं, अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए दिया गया है ज्ञापन। प्रयागराज से न्यूज है, जो कि हमने ऊपर ऑलरेडी बात की। 4 से 7 सितंबर के बीच होगा समायोजन। परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय के जो शिक्षक है उनके जिले के अंदर समायोजन और तबादलों की सूची 4 से 7 सितंबर तक जारी होगी। उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सोमवार को समायोजन और तबादले की समय सारणी सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजी है। समय सारणी के अनुसार सरप्लस जो शिक्षक हैं
इसमें कनिष्ठ शिक्षक और शिक्षिका वाले और अध्यापकों की आवश्यकता वाले स्कूलों को 13 से 14 अगस्त तक चिन्हित किया जाएगा। आवश्यकता वाले विद्यालय और सरप्लस शिक्षकों की सूची BSC के लॉगिन पर 16 व 17 अगस्त को प्रदर्शित भी की जाएगी। लोक सेवा आयोग ने बदली 3 भर्ती परीक्षाओं की तारीखें। सिपाही भर्ती की पुनर्परीक्षा के कारण बदली तिथियां। 25 को होनी थी होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी परीक्षा, तो वही बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी 3 भर्ती परीक्षाओं को टाल दिया है। आयोग के सचिव अशोक कुमार की ओर से सोमवार को संशोधित तिथि जारी की गई है। 3 जून को जारी कैलेंडर में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी 2023 और होम्योपैथिक आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 25 अगस्त को प्रस्तावित थी और अब होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 15 सितंबर को प्रथम और द्वितीय सत्र में होगी। वहीं होम्योपैथिक आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 18 सितंबर को कराई जाएगी। 3 जून के कैलेंडर में सहायक नगर नियोजक 2023 मुख्य परीक्षा 15 सितंबर को प्रस्तावित थी। अब 15 सितंबर को होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा होने के कारण सहायक नगर नियोजक 2023 मुख्य परीक्षा 25 सितंबर को कराई जाएगी। चिकित्सा अधिकारी यूनानी 2023 स्क्रीनिंग परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि 6 अक्टूबर को होगी। अगली अपडेट, MTS और हवलदार की कतार में 57 लाख बेरोजगार। केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों में मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार के जो रिक्त पद हैं उसके लिए इस बार 57 लाख आवेदन पड़े हैं, जो कि अभी तक के सबसे ज़्यादा हैं। 2024 में देखेंगे 57 लाख, बाकी 2023 में 26 थे, 2022 में 55 लाख था, 2021 में 39 और 2020 में 45 लाख था यह आंकड़ा। और यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग की MTS नॉन टेक्निकल और हवलदार भर्ती 2024 को इस बार देश भर से मिले आवेदन की संख्या 2023 की तुलना में दुगने से भी जो है वो अधिक है। इस बार पदों की संख्या बढ़ने का एक कारण है कारण आवेदन भी अधिक हुए हैं। 2023 में विज्ञापन के समय पदों की संख्या 1558 थी, जो बाद में बढ़कर 1773 हो गई थी। इन पदों के लिए 2023 में 26 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने आवेदन भरे थे। 2024 में जो पदों की संख्या है वो 9583 है, जिस पर 57 लाख के करीब लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया है। अगली अपडेट, माध्यमिक स्कूलों को भी TV टोल फ्री जो नंबर है उस पर दर्ज होंगी शिकायतें। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें बताया गया माध्यमिक स्कूलों से संबंधित शिकायतों को अभिभावक आसानी से टोल फ्री नंबर की मदद से दर्ज करा सकेंगे। तय समय पर इसके निस्तारण की भी जानकारी ली जाएगी। अभिभावक जो है उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा और गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा। आम जनता भी सुधार के लिए अपने सुझाव इसमें दे सकेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में बोर्ड परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए जो प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम बनाए गए हैं उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कोई प्रश्न कमेंट पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद।